हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे स्टिल एंड एट के बारे में। स्टिल मतलब अभी भी, मतलब कोई भी काम अभी भी जारी है जो पहले से होता आ रहा है, और एट का मतलब है अभी तक, मतलब अभी तक काम चल रहा है। ओके, तो हम देखते हैं स्टिल को। द फर्स्ट इज, वह अभी भी सो रहा है। वह अभी भी सो रहा है, तो इसमें क्या, तो वह अभी भी सो रहा है मतलब काम जारी है। सो रहा था पहले से और अभी भी सो रहा है। जो काम मतलब पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, उसमें हम स्टिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज स्टिल, ही इज स्टिल स्लीपिंग। ही इज स्टिल स्लीपिंग। द सेकेंड इज, वह अभी भी नाश्ता कर रहा है। वह अभी भी नाश्ता कर रहा है मतलब काम जारी है। तो यहाँ पे होगा ही इज स्टिल taking breakfast. He is still taking breakfast. He is still taking breakfast. अब हम ये एट का यूज करते हैं, ठीक है। एट का यूज जिसका मतलब होता है अभी तक। द फर्स्ट इज, वह अभी तक नहीं सोया मतलब अभी तक उसने ऐसा काम नहीं किया। बोलते हैं ना, वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं सोया, वह अभी तक नहीं खाया। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, वह ही डज, ही हैज नॉट स्लीप एट, ही हैज नॉट स्लिप्ट। यहाँ पे एक ही हटा देते हैं, एट। ओके, द सेकेंड इज, वह अभी तक नाश्ता नहीं किया। वह अभी तक नाश्ता नहीं किया। ही हैज नॉट टेकन breakfast. He has not taken breakfast. Okay, इसमें था वह अभी भी नाश्ता कर रहा है, इसमें काम जारी है। यहाँ पे लगेगा he is still taking breakfast। इसमें क्या है, वह अभी तक नाश्ता नहीं किया मतलब उसने स्टार्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एट का। ओके, तो ही हैज़ नॉट टेकन ब्रेकफास्ट इट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।